गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं आगरा में। जैसे कि आपको पता है कल रात को हमने आते आते बहुत देर हो गया, तो अभी जस्ट उठे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट खाने का टाइम भी हो चुका है। बट मैंने सोचा कि आपको एक बार ऊपर से आगरा का व्यू दे दिया जाए। आइए मेरे साथ, इधर आइए। देखिए आप इधर से, धूप बहुत काफ़ी तेज है इधर, आपको अगर दिख रहा होगा। मेरे पास आइए आपको अगर दिख रहा है उस साइड में, मेरे हाथ के स्ट्रेट में देखो आप, थोड़ा बहुत अगर कुछ दिख रहा हो आपको, आपको उधर ताजमहल का एक चार मीनारों में से एक उसका मीनार देखने को मिलेगा। तो उधर ही जाएंगे हम थोड़ी देर बाद, बहुत जोरों से देखने का मन कर रहा है उसे। बाकी सब बढ़िया है, वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, आज देख सकते हो कैसा रेस पड़ रहा है। और ठीक है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने हम। तो आ गए अभी हम ब्रेकफास्ट कर लें, अभी सुबह का 10:30 बज रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हो द लेजेंडरी बॉब मार्ली। ये जो नाम है इस होटल का, बॉब मार्ली होटल, ये booking.com पे मतलब ये मुझे ऐसा अट्रैक्ट किया हमें कि हमें यही बुक करना पड़ा। रात को 1 बजे हम आए इधर, तो उठते उठते काफ़ी देर हो गया, तो अभी ब्रेकफास्ट का सीन है और एज यूजल हमारा आलू पराठा का स्ट्रीक जो शुरू हुआ था पटना उटना से वो चलते आ रहा है। अभी भी आलू पराठा ही खाएंगे हम और खा के हम लोग निकलते हैं, जाते हैं आप मेन आगरा में। वहाँ पे पता ही है क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पे है ताजमहल, जहाँ पे शाहजहां का दिल अभी भी धड़क रहा है, हमारा नाम पुकार रहा है कि आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो मिलते हैं वहाँ पे कुछ देर में। गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल से, देख सकते हो एकदम टिप टॉप। उधर हमारे दोस्त लोग रुके हुए हैं इधर, तो अभी हम जा रहे हैं आगरा के ताजमहल में। हमने कहा था ना कि शाहजहां बुला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था वो, अभी देखते हैं कैसे जा सकते हैं इधर। कोई साधन वाधन ई रिक्शा है उसमें जा सकते हैं। राजू दा, अर्जुन, अरे इधर इंद्र, आज तो मजा आने वाला है आज तो, चलो घुस जाओ। और राजू दा अपना स्वैग यहाँ पे भी दिखाते हुए, देखो और तो एक बार राजू दा को दिखाते हुए। ऑनलाइन बोले टिकट बुक कर बोले ना। अभी रूल ऐसा है कि ताजमहल में एंट्री करने के पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, शायद वो पहले भी वैसा ही था बट अभी भी यही चल रहा है, हमको तो पता नहीं था ना, तो हम लोग अभी टिकट बुक करवा रहे हैं। यहाँ पे 60 पर पर्सन करके लेता है और अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं तो 270 पर पर्सन करके लेना पड़ता है। तो आप किसी ई रिक्शा में जब आप आओगे तो वो आपको खुद लेके आएगा वो टिकट काउंटर में, टिकट काट के फिर आप रिक्शे से जा सकते हो अंदर। गाइस आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये हमारे राजू दा है, अंदर नहीं जाएगा भाई जी। और ये शूज़ मैं भी सोच रहा था कुछ दिन पहले कि ऐसे लगा लूँ, बट मुझसे पहले राजू दा ने लगा लिया। तो सर ये आइडिया कैसे आया आपके पास? आइडिया मतलब बहुत दिन से मेरा ब्रेन में थोड़ा ये यूनिक टाइप का मतलब सोच रहा था, देगा देगा मतलब हम देने नहीं सक रहा था, लॉकडाउन गिरा था इसलिए कहाँ जाने भी नहीं सक रहा था आपका। अच्छा, तो इसलिए आपने सोचा दिल्ली जो लद्दाख जा रहा हो तो ये काम वहीं शुरुआत कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया, नहीं यहाँ पे हम लोग इंस्पायर, अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड सेट करने आए हैं आगरे में, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड सेट करेंगे और उसके बाद फिर ये ट्रेंड को फैलाते जाएंगे। रास्ता काफ़ी लंबा है यार, चलते जा रहे हैं। देखो अगर आप चलना नहीं पसंद करते तो आप ऐसा वाला एक कार जो एक सामने आ रहा है आप देख सकते हो, एक वाइट कलर का जो वैन आ रहा है वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी लोग जाते हैं सब घूमने ताजमहल के अंदर, पर हम प्रीफर करते हैं हम चल के जाते हैं। चले जा रहे हैं, आप मेरा भी आउटफिट देख सकते हो, ताजमहल वाइट तो मैं भी वाइट, ये कंसेप्ट था। और शूज़ नीचे में है मेरा येल्लो, चलते हैं आगे। राजू का जूता, राजू का जूता देखो, दिल्ली में ऐसे पहने, चल रही है अभी हम पहनेंगे तभी तो बाकी लोग भी पहनना शुरू करेंगे ना, दिखाना पड़ेगा। बाहर बाहर रहेंगे। तो अभी हम ई-रिक्शा से उतर गए हैं और जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा इधर, तो उसी प्रोसेस में हैं हम सब इधर।
चलिए अंदर जाके मिलते हैं आपसे। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, चलो फिर देखते हैं गार्डन गार्डन। यहाँ पे आए अभी भैया के शॉप में चश्मा लेने के लिए, तो मैंने तो ले लिया ये रेड वाला, बाकी अंदर में हमारे हीरो लोग सब ले ही रहे हैं। वहाँ पे ये रहे हमारे भैया, इनका ये यहाँ पे शॉप है जस्ट ताजमहल के जस्ट बाहर, आपको मिल जाएगा यहाँ पे सनग्लासेस वगैरह सब कुछ है, अच्छा रिजनेबल रेट में भैया देते हैं। तो आने से कभी आइएगा भैया के पास आप सब। तो अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अभी हम एंट्री करने वाले हैं अभी ताजमहल के अंदर। हाँ कौशल की बाइक से आएगा आसाम से, यहाँ पे हर स्टेट में घूमेगा, ये तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अभी कभी बाइक से आएंगे ताजमहल देखेंगे, अलग ही फील है। अयोध्या में राम मंदिर देखेंगे, किस्मत था मिल गया, वही बात है। अभी अभी यार बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत ज़्यादा देखना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी बहुत देखना बाकी है। ताजमहल के गेट में अंदर घुस चुके हैं, कुछ अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ताजमहल, जो देखने के लिए हम तरस रहे थे कल से। फिलहाल इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐसे स्टार्ट होता है गेट इसका, वहाँ पे था गेट जहाँ से हम आए थे, और ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, कितना ह्यूज है ये मैं आपको सामने जाने पर ही बता सकता हूँ, यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना। बाकी इधर आप देख सकते हो पूरा गार्डन, बहुत ही प्यारा गार्डन। इंद्र कैसा लगा अंदर? मस्त है, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। अभी कितना बड़ा है यार ये तो, अभी आप देख सकते हो शायद पीछे में ताजमहल की थोड़ी बहुत झलकियाँ देखने को मिल रही होगी आपको, बस चलते रहते उधर दिख जाएगा फिर सब कुछ। ताजमहल यही वो बिल्डिंग है, ये शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनाया था। हमने स्कूल में बहुत पढ़ा इसके बारे में, छोटे में ऐसे बहुत लिखे इसके बारे में। आप जरा करीब आइए मेरे, और करीब, और करीब। आप देखिए कैमरे में इतना सुंदर नहीं लगेगा, बट रियल में इतना लग रहा है। इधर अभी राजूदा का जूता का चर्चा हो रहा है, घूम गया हमारे रिक्शा वाले भैया बोल रहे हैं कि राजूदा ने जूता चोरी करके लेकर आया। भैया यहाँ पे कोई ऐसा पहनता है क्या? यहाँ कोई ऐसा पहनता है क्या? कोई नहीं पहनता ना, देखो राजू बोल रहा हूँ चोरी करके लेकर आया। आज सिर्फ राजूदा के जूते के चर्चे है हर जगह। आज दिल्ली छा गया पूरा ये जूता। अभी शाहरुख खान का बेटे से दिला दूं आगरे का पंची बेटा। अभी शाहरुख खान का बेटे से राजदा के चर्चे है दिल्ली में। भैया जी हम लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम लोग एक महीने बाइक में राइड करते हैं। अच्छा, हम लोग गुवाहाटी से बाइक चला के आए इधर। मीना बाजार तो दिखा दूं? अभी कुछ नहीं चाहिए भैया, छोड़ो हम दिल्ली नहीं चाहिए। राजदा को देखो, इनका चरम सुख चाहिए भैया। क्या चल रहा है हालचाल? तारीफ चल रहा है।
चोरी के भाई राजू था चोरी के जूते लाए ऊपर जा रहे होटल में, अपना ड्रेस व्रेस चेंज करते हैं, वापस से अपने राइडिंग गियर्स में आ जाते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए, मिलते हैं वहाँ पे रास्ते में। जो दिल को बहुत प्यारे लगते हैं उनको कराते हैं मेरे को, कभी आएंगे तो वापस मिलेंगे आप आइए आसाम जाने आसाम गुवाहाटी। तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, आगरा को छोड़ रहे हैं अभी हम। ये हमारा कैफे था बॉब मार्ली रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम थे रात को, बहुत ही अच्छा सर्विसिंग है इनका। चलिए भैया बाय बाय, सो लेट्स गो। जय माता रानी पार्वती पते हर 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 महादेव। अच्छा काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है हमारा जर्नी, अप्रॉक्स 3:30 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अभी जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि बहुत सामने है वो, 200-250 के बीच में है किलोमीटर, तो वो कवर हो जाएगा आराम से शाम तक। हर दिन अलग अलग प्लेसेस, हर दिन हर प्लेसेस के इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिखा रहे हैं हम। कल हम थे अयोध्या में राम मंदिर, आज हम थे आगरा ताजमहल, रात और शाम तक पहुंच जाएंगे हम इंडिया गेट दिल्ली। टाइम हो रहा है 5:45 इवनिंग का और हम एंटर कर चुके हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। खुद को इतने किस्मत वाले समझते हैं कि कल हम अयोध्या में थे श्री राम जी की नगरी में और आज हम मथुरा में हैं श्री कृष्ण के दरबार में। तो सोचा कि अपने बाइक को थोड़ा ठीक करा लेते हैं, आप इधर आइए एक बार। बाइक का चेन हमारा थोड़ा लूज हो चुका है तो वो ठीक हो रहा है, और उधर में इंद्रो का जो बाइक है उसका टायर का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी ठीक हो रहा है। बस समय लग जाएगा 1-1.5 घंटा, तो तब तक हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं चिल मारते हैं। और आप नीचे देखिए, मेरे चेहरे में मत दिखाइए कभी, अगर आप गिरोगे ना पूरा हार्ड है, कुछ होगा नहीं। और कितने सबसे छोटे इधर लगता है आपको बताइए साइड आपको 2000 बोलेगा, आपको 1700 और हाथ का भी होता है, हाथ का यहाँ पर नहीं लगाया भाई वैसे लग रहा है तू, और मथुरा का थोड़ा कृष्णा धाम का थोड़ा इज्जत रख दे। हम गुवाहाटी से आ रहे हैं, कामाख्या के उधर से गुवाहाटी। एक लाइन गा दे अच्छा लगेगा, एक लाइन बोल दे बचपन का प्यार। इतना जल्दी कैसे भूल, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और गा अच्छे से, हो गया बस इधर आई। और ये भी तुम ही गा रहे थे, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय श्री कृष्ण। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, लेकिन अगला बार यहीं पे आएंगे तो गाना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी मथुरा में आते हो तो रॉयल एनफील्ड का सबसे बढ़िया गैरेज इधर में आपको मिलेगा, इन सब बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारा सारा बाइक्स का भी इन्होंने काम किया है। इनका दुकान जो है, इनका दुकान का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है, आपको मिलेगा सीधे मथुरे में मिल जाएगा आपको ये। बुलेट सर्विस नंबर वंबर सब दिया हुआ है, मनीष और अजय का नाम है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जर्नी यहाँ से, चलिए फिर मिलते हैं रास्ते में। और ये हम अब हरियाणा एंटर करते हुए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर मोस्टली होगा दिल्ली। बढ़िया, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? गुवाहाटी आसाम। आसाम से आ रहे हो? यस आसाम। और भाई दो भाई मिल गए यहाँ पे, उनको फोटो खिंचाना था हमारे साथ। तो ओके व्लॉग में व्लॉग चल रहा है, ऑन है भाई, पलवल में है अपन अभी। बहुत दासु जगह है पलवल। पलवल कभी आना फुर्सत से, जब बताएंगे पलवल मजा ही मजा है। बढ़िया बढ़िया, क्या ऊपर से हाईवे से? अभी तो यहीं से आए, अंदर से आए। अंदर से ही आए हो? हां जी। ये सीके भाई मेरा नाम है, ऑन व्हील्स। आसाम से हो भाई, कहां जाओगे आप? अभी हम लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख से फिर जाएंगे केदारनाथ। हैव अ नाइस ट्रिप ब्रो। थैंक यू ब्रो। अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है, आप देखिएगा जरूर। बिल्कुल देखेंगे।
चलिए बाय 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 ब्रो। तो आपने देखा अभी कि कितना प्यार करते हैं लोग राइडर से। ऐसे हमारे साथ दिन में बहुत लोग मिल जाते हैं, बट यार फॉर्चुनेटली कैमरा ऑन था तो वो आ गए। आप सोच सकते हैं कितना मज़ा आता होगा। चलिए फिर चलते हैं। और ये हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली में, दिल वालों का शहर दिल्ली आ गए हम। जब से दिल्ली में घुसे हैं जो जाम मिला है हमें, ओ भाई आजा आजा। बढ़िया बढ़िया अमाटर नो उसके उसमें से भी ले लो। तुम्हारा वाला भी दे दो, इसमें अच्छा नहीं आया, तुम अच्छे से लो। रहो तो फ्लैश मारो कंधे का, तुम ले लो सेल्फी ले लो अपने यहाँ से। नीते पर जला रखो ना डा। बढ़िया ले लो। मेरे चैनल का नाम उधर है CKY ऑन व्हील्स। अब बढ़िया बढ़िया, तब तो बढ़िया। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है सर, अच्छा लगा आपका। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। अब बढ़िया बढ़िया, हम सीख रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लोगो वगैरह सब कुछ डिजाइन करता हूँ। अच्छा ओके, मेरा खुद का चैनल भी है। ओके इसमें आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा इस चैनल में। हाँ आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर। ओके ओके चलिए फिर बाय बाय। यार ऐसे मिलते रहोगे तो मेरा तो प्यार और बढ़ जाएगा यार। ऐसा मत करो यार, मैं मुझे मजा आ रहा है लाइफ में। अब जब लोग आके ऐसे मिलते हैं ना आपसे, आपको आपकी लाइफ की वैल्यू पता चल जाती है कि हाँ आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोग इंस्पायर भी होते हैं और उनको खुशी मिलती है। बस हम क्या, हम तो इसी चीज़ के लिए जीते हैं। थैंक यू यार फॉर मेकिंग माई डे, थैंक्स अ लॉट। अब इधर क्या हो गया, लगता है मर्डर हो गया किसी का ऑटो के अंदर। भाई ये दिल्ली है भाई, कुछ भी हो सकता है इधर तो।